हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एक्चुअली मैं इस वीडियो में आपको एसएफपी के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एसएफपी से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो होप तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूँ, इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है आपके फ्यूचर के लिए, बिकॉज आप जो सीएमएच बनेंगे उनके पास और ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा और ज़्यादा स्किल्स होंगे, जो कि आपको आपके कैरियर में एक बूस्टअप करेगा, आपको बहुत हेल्प करेगा एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट करवाने में। तो मैं आपको वन थिंग बताऊं, सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आपको एक अच्छे प्रोफाइल में जॉब चाहिए तो उसकी दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। इंस्टीट्यूट उसी के ऊपर काम कर रही है, तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ छोटे से पॉइंट, ऐसे भी इसी के थ्रू आप समझ जाओ। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए तो आपके पास दो रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किससे रिलेटेड, आपके स्टडी से रिलेटेड, आपने जो ड्यूरिंग दी स्टडी जो भी कुछ आपने पढ़ा है उस पार्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपके पास एक एक्सपर्टाइज नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होना चाहिए, स्किल्स। ये दो चीजें अगर आपके पास है तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छा पैसा मिलेगा, बिकॉज अच्छी जॉब मिलेगी तो डेफिनेटली अच्छा पैसा मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी चीज़ आपके लाइफ से मिसिंग है तो आप पैसे तो कमाओगे बट जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आप उसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये दो चीज़ें बहुत रिक्वायरमेंट है एक अच्छी जॉब के लिए। तो आपके पास स्किल्स भी होना चाहिए और प्लस आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आपकी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये एसएपी मॉड्यूल लेके आया। एसएपी है क्या? अब सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप सबने ईआरपी का नाम सुना होगा, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ईआरपी। जैसे आपने टैली पे काम किया होगा, टैली भी एक ईआरपी पैकेज है, एमएस ऑफिस एक ईआरपी नहीं है, टैली ईआरपी है, एसएपी ईआरपी है। इसके अलावा आपने ओरेकल का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करो, ओरेकल भी एक ईआरपी पैकेज है, जेडी एडवर्ड्स ईआरपी पैकेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे ईआरपी पैकेज है मार्केट में, बट जो मेजर ईआरपी पैकेज है जिसने मार्केट शेयर सबसे ज्यादा कवर कर रखा है वो एसएपी है। एसएपी वर्ल्ड में 60% मार्केट को उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, मार्केट शेयर उसके पास है 60% टोटल मार्केट का। ओके, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने एसएपी पैकेज लेके आया आपके लिए कि जिससे क्या होगा, आपकी स्किल्स डेवलप होगी। बिकॉज मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मेरा सिलेक्शन ओएनजीसी में हुआ था, तो ONGC में क्या था, SAP था, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे SAP सिखाया। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका किसी PSU में प्लेसमेंट नहीं होता है एज ए ट्रेनिंग के लिए, तो उन सब के लिए क्या होता है, उन सब उतने स्किल्स उनके डेवलप नहीं हो पाते हैं। बिकॉज जब आप फॉर्म में काम करते हो तो फॉर्म में क्या होता है, मोस्टली आपका काम एक्सेल पे होगा या फिर आप टैली पे काम करोगे, बट आप SAP यूज नहीं करोगे। कोई भी ऐसी फॉर्म आपको नहीं मिलेगी जो SAP पे काम करी हो, एक्सेप्शन हो सकता है बाय मिस्टेक कोई एक दो फॉर्म मिल गई, तो जनरली 99% कोई फॉर्म ऐसी होगी नहीं तो SAP सॉफ्टवेयर पे काम करेगी, बिकॉज SAP एक बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, तो छोटे मोटी कंपनी भी उसको यूज नहीं करती है। छोटी मोटी कंपनी अपने टैली से काम चला लेती है, तो जो बड़ी कंपनी है वो SAP सॉफ्टवेयर पे आती है। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, सपोज आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, बहुत सारे सोशल साइट्स है जहाँ पे आप अवेलेबल हो, बट उन सारे साइट्स पे आपको एक्सेस करने के लिए सबकी आपको सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप उस साइट को आप एक्सेस कर सकते हो। और एक एक साइट को आप दूसरे साइट से आप लिंक नहीं कर सकते हो, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों रिलेटेड नहीं है। अगर आपको दोनों को रिलेट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, दोनों जगह से आपको डाटा लेके आना पड़ेगा, फिर आपको एक अलग से उस डाटा को एनालिसिस करके उसका आउटपुट निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? बट सेम अगर कोई एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप हो जाए जिसमें आप अपने सारे सोशल ऐप एक साथ चला सको, तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या हुआ कि आपको 10 ऐप तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, आप अब अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करोगे, उस एक ऐप को आप जब आप ओपन करोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन एक जगह दिख जाएंगे, सारे डिटेल्स आपके पास एक जगह अवेलेबल होंगे, तो आप चीज़ों को बहुत क्यूब रिएक्शन कर सकते हो, आपको बार बार डिफरेंट ऐप्स ओपन नहीं करने पड़ेंगे, आप चीज़ों को आराम से समझ सकते हो। तो सेम लाइक दिस जो SAP है, SAP में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक आपको अगर प्रोडक्शन प्लानिंग करना है तो PP मॉड्यूल है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए MM मॉड्यूल है, सेम लाइक अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से है तो FICO है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग को देखता है। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, HR के लिए HR
की एक मॉड्यूल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो डिफरेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मतलब टोटल 10-12 मॉड्यूल्स है SAP में, और वो कंपाइल करके एक सॉफ्टवेयर बनती है SAP की, जिसमें आपको सारे डाटा, जो भी कंपनी को इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक सॉफ्टवेयर से वो एक्सेस कर सकती है। उसे 10 सॉफ्टवेयर को नहीं यूज करना पड़ेगा, 10 जगह डाटा, उसके टाइम सेविंग होगी। हाँ, कॉस्टली तो है, SAP कॉस्टली है पर टाइम सेविंग है, और डाटा को अप्रोप्रिएट देती है जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वॉल्व होती है, और काफी इंफॉर्मेटिव होती है, जिससे वो अपने डिसीजन मेकिंग सही तरीके से वो ले सकते हैं। तो इसलिए कंपनी SAP यूज करती है, और इंस्टीट्यूट इसलिए आपको SAP का ट्रेनिंग देना चाहते हैं, बिकॉज जब आप कॉर्पोरेट में जाओ, आफ्टर क्वालिफाई आपके रिज्यूम में SAP लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको मेजोरिटी ऑफ द कंपनी शॉर्टलिस्टेड करेगी, और आपके अगर कैंपस नहीं भी हुआ तो ऑफ कैंपस भी आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। और मोस्टली जो लोग कॉस्टिंग प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं उनके लिए तो SAP मस्ट है बिल्कुल। वो अगर SAP नहीं करेंगे तो उन्हें कॉस्टिंग प्रोफाइल में कभी भी अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेंगे लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं जा पाएंगे, बिकॉज कॉस्टिंग में जो कंट्रोलिंग है वो 100% SAP पे ही होता है। जो भी बड़ी कंपनीज है वो SAP को ही फॉलो करती है कॉस्टिंग के लिए, कोई और सॉफ्टवेयर को नहीं फॉलो करती है। तो उन सारे स्टूडेंट्स को जो कॉस्टिंग में अपनी प्रोफाइल चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोफाइल चाहते हैं, तो उनके लिए SAP मस्ट है। अगर आप टैक्सेशन में जाना चाहते हो सकता है आपके लिए SAP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्टिंग के लिए SAP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने SAP का मॉड्यूल लेके आया है FICO, और स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। साथ में प्लस जो प्रीवियस सिस्टम था, मैं आपको बता दूँ, जो प्रीवियस हमारी सिस्टम थी कंप्यूटर ट्रेनिंग की, वो इतनी अच्छी थी नहीं, बिकॉज सेंटर वाइज क्लासेस प्रोवाइड होती थी और मोस्टली सेंटर्स पे टीचर्स सही होते नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक भी था, बिकॉज हमारे पास तो जो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाती थी। आप ना टैली में एक्सपर्ट हो पाते थे, ना आप MS ऑफिस में एक्सपर्ट हो पाते थे। तो अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिलेगा, और सारे स्टूडेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग को, और वो काफ़ी इंटरेस्ट भी लेंगे, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने लेकर आया है। बट हाँ, अभी आपको वेट करना है कि ये नोटिफिकेशन आने तक का कि किन किन स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल होगा, अगर पुराने स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, नए स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, वो सब कुछ इंस्टीट्यूट बताएगी। हो सकता है कहीं पुराने स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो क्वालिफाइड CMAs है उनके लिए कुछ फीस भी चार्ज करे, तो सब कुछ इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन रिलीज करेगी। तो हम सब कुछ का वेट करना चाहिए, अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप बस क्या करो, अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना क्या करना है कैसे करना है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है SAP के बारे में। SAP क्या होता है मैंने आपको जस्ट इन शॉर्ट आपको बताया, होप तो आपके लिए वीडियो रिलेवेंट रहा हो, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हो। तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोज को। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ और डाउट्स आपके, तो आप कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक्स, बाय, टेक केयर।